हाँ तो आप सभी मेरे हृदय के प्रिय मेरे साथियों बंधुओं, जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी, किसी को भरोसा नहीं। देखिए कहानी बड़ी ही सुंदर है, ऐसी कोई कहानी नहीं है जो आपने नहीं सुनी हो। अरे महाराज जनक ने अपनी बेटी को जब विदा किया था तो क्या उन्हें पता था कि मेरी बेटी 14 वर्ष के लिए बनने जाएगी। उन्होंने तो राज सुख के लिए भेजा था, विदा किया था, लेकिन देखिए किस्मत देखिए समय देखिए, मां सीता 14 वर्ष के लिए वन में गई। फिर भी क्या बताया जाए, रावण उनका हरण करके ले गया अशोक वाटिका में ही। बड़ा सुंदर प्रसंग है मेरे प्रियो, अशोक वाटिका में सीता माता बहुत व्याकुल हैं, लेकिन वहां उसकी उनकी मित्रता एक त्रिजटा नाम की राक्षसी से हो जाती है। त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर के उन्हें सब कथा कह सुनाई, शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर के सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता कृपा निधान श्री राम जी को याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। सीता जी पूछती हैं कि फिर राम जी उसके हृदय में बाण क्यों नहीं मारते हैं। त्रिजटा बोली, प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि रावण के हृदय में जानकी जी आप बसती हैं और जानकी के हृदय में श्री राम बसते हैं। यही सोच करके इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और अगर बाण मार दिया तो ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। यह वचन सुनकर के सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष हुआ, विषाद हुआ। देख करके त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी महान संदेह का त्याग कर दो, सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गई तब उनका बायां नेत्र और बांह फड़क उठी, यानी शकुन समझ करके उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। मेरे सज्जनों, जब रावण का ध्यान जानकी की तरफ से उठा, आज मेरे प्रभु राम ने बाण को उठाया जैसे ही मारा है, आज उसकी नाभि में जो अमृत का कुंड था आज जैसे ही बाण लगा है उसके प्राण निकल। तो प्रभु की कृपा से यह मानव का तन मिला है। जिस दिन प्रभु की कृपा उठ जाएगी, हमें नहीं प्राप्त होगी, उसी दिन हमारे जीवन में संकट ही संकट आ जाएंगे। सुनिएगा भजन के द्वारा क्या बताया। भरोसा नहीं कब मौत
की, जीवन का भरोसा नहीं कब मौत आ जाएगी। भरोसा नहीं कब मौत आ जाए।
दोस्तों आप सभी आनंद ले रहे हैं निर्गुण भजन का। मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, ये हमारा तुम्हारा जीवन बड़ा ही अनमोल है। बड़े सौभाग्य से हमें तुम्हें प्राप्त हुआ है। ये यूं ही नहीं मिलता प्यारे, कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं हमें ये मानव का शरीर मिलता है। इसलिए मेरा आप सभी से एक ही कहना है कि दुनिया में जियो सो शान से जियो और मरो तो शान से मरो। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने सोचा आज भगवान श्री कृष्ण का अधर्म व्रत लेना है, पर श्री कृष्ण को पता ना चले और ब्रह्मा जी ब्रज में आ गए। सोचने लगे ब्रह्मा जी कि भगवान श्री कृष्ण को पता ना चले और मैं अधर्म व्रत ले लूं। ब्रज में आ गए, साथ में भोजन कर रहे और भोजन कर यमुना जल में हाथ धोने जाएंगे तब मैं अधर्म व्रत ले लूंगा। इसलिए मछली बन गए और ब्रह्मा जी जैसे ही मछली बने तुरंत भगवान श्री कृष्ण भगवान ने सखाओं को कहा आज हम जल से हाथ नहीं धोएंगे, ब्रज रस से हाथ धो लेना। तो वो बात ब्रह्मा जी ने सुन ली तो ब्रह्मा जी चींटी बन गए और चींटी के रूप में वहां आ गए। भगवान श्री कृष्ण को भी पता चल गया, इसलिए सखाओं को कहा आज कोई भी ब्रज रस से भी अपने हाथ नहीं धोएगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा श्री कृष्ण अब क्या करते हैं, देखो कुछ करते हैं, मुझे उनका अधरामृत लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ने सखाओं को बताया कि आज कोई भी अपने हाथ साफ नहीं करेगा। सब ऐसे हाथ धोना, ऐसे भोजन करना कि हाथ धोने की जरूरत ही ना पड़े। तो सभी सखाओं ने भोजन करने के पश्चात अपनी उंगलियों को चाट लिया ताकि हाथ धोने की कोई नौबत ही ना आए। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का अधामृत ग्रहण करने आए पर मुझे वो मिला नहीं। तब ब्रह्मा जी ने प्रभु से माफी मांगते हुए कहा प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपका अधरामृत पाने के लिए कितनी चतुराई दिखाई किंतु आपकी आंखों ने मुझे हर रूप में पहचान लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि आपको मेरा अधरामृत चाहिए तो इतने रूप बदलने की क्या आवश्यकता, आपने मुझसे ही कह दिया होता, परंतु आप अपनी चतुराई के कारण ही अधरामृत से वंचित रह गए। अब इसका क्या तात्पर्य है सज्जन, भगवान को कभी हम चतुराई से चालाकी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वहां तो निर्मल मन जन सो मोय पावा है, मोय कपट छल छिद्रण भावा। भगवान के सामने कोई चतुराई चलने वाली नहीं है, कोई चालाकी चलने वाली नहीं है, कोई भी छल बल कोई भी चलने वाला नहीं है। आइए सुनते हैं भजन के द्वारा क्या बताया। कवि ने कितनी सुंदर बात लिखी है सुनिएगा इस भजन के द्वारा, जो दौलत के दीवाने हैं उनके बारे में क्या बताया है। जागो रे
इसके दीवानों। जागो रे जागो रे ए दौलत के दीवानों, सुनिए मेरे भजनों के प्रेमियों, दौलत से क्या मिलता है, दीवाने दौलत के जो हैं सुनिएगा, दौलत क्या दे सकती है और क्या नहीं। ऐनक मिलती दौलत से पर नैन कहां से लाओगे, ऐनक मिलती दौलत से पर नैन कहां से लाओगे, रोटी मिलती दौलत से पर भूख कहां से लाओगे, दौलत से बादाम मिलेंगे पर ताकत कहां से लाओगे, सुख दिलाएगी ये दौलत शांति नहीं दिला पाएगी, शांति नहीं दिला पाएगी, शांति नहीं दिला पाएगी, जागो रे जागो रे ए दौलत के दीवानों, जागो रे जागो रे ए दौलत के दीवानों। प्यारे दौलत से आप ऐनक ले लोगे लेकिन नैन नहीं मिल सकते, दौलत से आप रोटी ले लोगे लेकिन भूख नहीं ले सकते, ये ईश्वर की देन है, प्राकृतिक देन है। दौलत लड़का दे सकता पर पुत्र दिलाना मुश्किल है, अरे दौलत लड़का दे सकता पर पुत्र दिलाना मुश्किल है, दौलत नौकर दे सकती पर सेवक पाना मुश्किल है, दौलत औरत दे सकती पर पत्नी पाना मुश्किल है। सुनिएगा मेरे भजनों के प्रेमियों, दौलत बिस्तर दे सकती पर नींद कभी ना ला सकती, नींद कभी ना ला सकती, हाँ नींद कभी ना ला सकती, जागो रे जागो रे ए दौलत के दीवानों, जागो रे जागो रे ए
कुछ पैसे में जाकर सज्जनों जहर भी ले आओगे। कुछ पैसे में जाकर सज्जनों जहर भी ले आओगे। बीस करोड़ में बूंद एक तुम अमृत की नहीं पाओगे। क्या मुश्किल है पैसे से। बीस करोड़ में बूंद एक तुम अमृत की नहीं पाओगे। दौलत गीता दे सकती पर ज्ञान नहीं तुम पाओगे। ज्ञान नहीं तुम पाओगे। हाँ ज्ञान नहीं तुम पाओगे। जागोरे जागोरे ए दौलत के दीवानों। जागोरे जागोरे ए दौलत के दीवानों। ए दौलत के दीवानों। ए दौलत के हाँ तो गौर कीजिएगा, मेरे संगीत के और सत्संग के प्रेमियों, इस दुनिया में दो पहेलियां हैं, सुख और दुख। मेरे सज्जनों, जिसने सुख भोगा है उसे दुख भोगना है, और जिसने दुख भोगा उसे सुख भी भोगना है। क्योंकि ये संसार जोड़े के बिना चल ही नहीं सकता है। जहां पाप होता है वहां पुण्य भी अवश्य होता है, और जहां पुण्य होता है वहां पाप भी अवश्य होता है। सज्जनों, एक किसान था और उसकी दो पुत्री थी। दो पुत्री, उसने मन में विचार किया, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई हैं, अब मुझे विवाह करना चाहिए। वर की खोज में निकल गए। उन्होंने दोनों पुत्रियों की शादी तय कर दी, एक बेटी की एक किसान के यहां कर दी और दूसरी की एक कुम्हार के यहां कर दी। बड़े अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत हो रहा है। हर माता पिता यह चाहते हैं कि मेरी पुत्री जहां भी रहे उसके जीवन में सुख ही सुख रहे, आनंद ही आनंद रहे। लेकिन यह होना असंभव है। एक दिन उस पिता ने दिल में विचार किया, मुझे चल करके देखना चाहिए कि मेरी बेटी किस हाल में रह रही हैं। जो किसान के यहां बेटी थी खेतों को तैयार कर दिया जोत के, और वो प्रभु से ये आशा लगाए हुए बेटी थी कि बारिश हो, अगर अच्छी बारिश होगी तो धन दौलत और सुख और वैभव हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी पुत्री छोटी वाली थी, एक कुम्हार के यहां थी, उसने बहुत सारे बर्तन बना करके तैयार कर लिए। वो भगवान से यही निवेदन कर रही थी
कि बस हे प्रभु बारिश ना हो तो हमारा कारोबार बहुत ही अच्छा चले, हमें लाभ हो। सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी के यहां गए, पूछा बेटी सब ठीक है? कहा पिताजी सब ठीक है, बस प्रभु से एक ही निवेदन है कि हे प्रभु बारिश हो जाए तो फिर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कहा बेटी भगवान अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। वहां से छोटी बेटी के यहां पर आए, वहां कहा बेटी कैसे हाल हैं? कहा पिताजी सब कुछ ठीक है, भगवान से सिर्फ एक ही निवेदन है कि हे प्रभु बारिश ना हो तो हमारा कारोबार बहुत अच्छा चले, हमें लाभ हो, अगर बारिश हो गई तो हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो सज्जनों विचार कीजिएगा, इस संसार में दो पहेलियां हैं, सुख और दुख हैं। कहीं खुशी है तो कहीं गम है, कोई बारिश चाहता है कोई नहीं चाहता है, ये दुनिया बड़ी ही अजब निराली है। आइए इस भजन के द्वारा बड़ी सुंदर बात बताई है, सुख और दुख दो पहेलियां हैं, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख हमारे तुम्हारे जीवन में आता ही रहता है। क्या बताया? समय प्यारे एक जैसा कभी नहीं रह सकता और सबके मन की कभी हो नहीं सकती है। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बनती हैं तकदीरें, फिर बनते ही शरीर यारा, फिर बनते ही शरीर, कोई राजा कोई भिखारी, कोई संत फकीर, कोई संत फकीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा,
अरे कोई कारण होगा। बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने, नींद को तरसे ने, कांटों पर सो करके भी, कांटों पर सो करके भी मन को मिले न चैन, मन को मिले न चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मिलता नहीं है ज्ञान, मिलता नहीं है ज्ञान, कभी मिले मिट्टी से मोती, कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर से भगवान, पत्थर से भगवान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, कभी किसी की प्यास, कभी एक बूंद से पूरी, कभी एक बूंद से ही पूरी हो जाती है आस, हो जाती है आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। श्री राधे।
आइए मेरे भगवत प्रेमियों, इस संगीत और सत्संग की दुनिया में उस ईश्वर ने मानव का शरीर हमें तुम्हें दिया, बड़ी ही कृपा की। सुनते हैं क्या बताया है। साधना क्या है, लेकिन एक इसमें अड़े आता है, वो है क्रोध। प्यारे ध्यान से सुनिएगा, कहा जाता है कि भगवान विश्वनाथ की पुरी काशी की बात है। गंगा स्नान करके एक सन्यासी घाट से ऊपर जा रहे थे। बहुत ही सुंदर कहानी है, प्यारे सुनना ध्यान से। स्नान करके एक सन्यासी घाट से ऊपर जा रहे थे। आपको पता है भीड़ तो काशी में रहती है, बचने का प्रयत्न करते हुए भी एक चांडाल बच न सका। सज्जन उसका वस्त्र उन सन्यासी जी से छू गया। अब तो सन्यासी जी को महाराज क्रोध है। सन्यासी जी को क्रोध आ गया, उन्होंने एक छोटा सा पत्र उठाकर के मारा चांडाल को और डांटा, अंधा हो गया है, देखकर नहीं चलता। अरे अब मुझे फिर स्नान करेगा करना पड़ेगा, अब मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा। अब तो नाना प्रकार से गलत बातें कहने लगे, क्रोध आ गया। लेकिन चांडाल हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। सन्यासी जी अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें, रही स्नान करने की बात तो आप स्नान करें या ना करें, मुझे तो अवश्य स्नान करना पड़ेगा। ओहो, जब इतने वचन सुने, अब तो सन्यासी आसर से पूछा, सन्यासी जी ने तुझे क्यों स्नान करना पड़ेगा? अरे चांडाल, तुझे क्यों स्नान करना पड़ेगा? चांडाल बोला, महाराज सबसे अपवित्र महाचांडाल तो क्रोध है, और उसने आप में प्रवेश करके मुझे छू दिया है। यानी आपके अंदर जो क्रोध है उसने प्रवेश करके मुझे छू लिया है, इसलिए मैं अपवित्र हो गया हूं। अब मुझे पवित्र होने के लिए स्नान तो करना ही पड़ेगा। सन्यासी ने लज्जा से अपना सिर नीचा कर दिया। अब मेरे प्यारे ध्यान करना, सबसे अपवित्र क्या है? क्रोध। क्रोध में आकर के हम न जाने क्या क्या कहते हैं। ये काम और क्रोध और मद और लोभ और मोह, ये नरक के द्वार बताए गए हैं। प्यारे हम स्नान करते हैं, अपने को पवित्र मानते हैं, लेकिन पवित्र जब हम माने जाएंगे हम, तब काम और क्रोध और मद और लोभ ईर्ष्या मत्सर आदि को अपने से दूर कर देंगे। प्यारे इसलिए अपने मन पर अंकुश कर, काम और क्रोध यानी अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो, तभी साधना सच्ची मानी जाएगी। और उस प्रभु की ही साधना करो और उससे एक बात कहो, जिसमें तेरी खुशी है उसमें मैं खुश हूं, बस अपने अपनी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। आइए सुनते हैं इस भजन के द्वारा क्या बताया है। हे प्रभु, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं सदैव आपका ही ध्यान करता रहूं, आपका ही चिंतन करता रहूं, और जिसमें तुम्हारी खुशी हो उसमें मेरी भी खुशी हो। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकता प्रभु, मुझे अपना बना लो, मुझे अपना बना लो, कहां जाऊं मैं तुम्हारे सिवा।
तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। हे मेरे प्रभु, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि तेरी साधना करता रहूं, तेरा नाम लेता रहूं। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। हर नजर में हो तेरा नजारा, हाँ मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा, मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा। ओ तेरी लो लगी हो, मेरे दिल में हर दम तेरी लो लगी हो। रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। हे मेरे प्रभु, मेरा दिल हर समय तेरे नाम में लगा रहे, तेरे नाम के सिवा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। अपनी कथा का जिक्र हो जो लब पे तो तेरी वफा का, हाँ फिक्र हो जो दिल में तो अपनी कथा का जिक्र हो जो लब पे तो तेरी वफा का। ओ हाँ, उठे जो सदा वो तेरी बंदगी हो, उठे जो सदा वो तेरी बंदगी हो। रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। रजा हो जो
तेरी वो मेरी खुशी हो। हे प्रभु, अगर मुझसे कोई गलती कोई खताबी हो जाए तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरे लब पर मेरे होठों पर तेरे नाम के सिवा कभी कुछ भी ना आए, ये कृपा बनाए रखना। हरि के सिवा कुछ नहीं हूँ, मैं तेरा हूँ तुझसे जुदा कुछ नहीं हूँ। हाँ मैं साधक हूँ इसके सिवा कुछ नहीं हूँ, मैं तेरे तुझसे जुदा कुछ नहीं हूँ। ओ आ, 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 आ यही गीत लब पे मेरी हर घड़ी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो। हाँ तो आइए गौर करते हैं मेरे भगवत प्रेमियों, इस सत्संग के महापर्व के द्वारा बताया गया है कभी कभी हम तुम मूर्ख बन जाते हैं। समझने की बात है मेरे प्यारे, एक विचारशील वैराग्यशील भगवत भक्त एक नारी बताया जाता है कि उसका पुत्र मर गया। जब उसका पुत्र मर गया, पति घर से बाहर गया हुआ था, उस नारी ने पुत्र का शव ढक दिया और पति के लिए बहुत सुंदर भोजन बनाया। उसने दिल में विचार किया, मेरा पति परिश्रम से हारा हुआ आएगा, इसलिए उसने दिल में विचार किया कि पहले मैं अपने स्वामी को भोजन कराऊं। ध्यान करना, बड़ी ही सुंदर बात है, ध्यान देना मेरे सज्जनों। थके हुए पतदेव घर लौटे, आते ही उन्होंने पूछा अपने बीमार पुत्र की क्या दशा है देवी, हमें तुम्हें अपनी संतान का बड़ा ही ध्यान रहता है। आज उन्होंने पूछा अपने पुत्र के बारे में, उस स्त्री ने जवाब दिया, महाराज स्वामी आज वह पूरा विश्राम कर रहा है, आज वह पूरा विश्राम कर रहा है, आप भोजन करें। आप हारे थे, जब भोजन कराया
आज पुरुष ने हाथ पैर धोया और भोजन करने बैठ गया, नारी उससे पंखे से हवा करने लगी। पंखा झलते हुए वह बोली, स्वामी पड़ोसी ने मुझसे एक बर्तन मांगा था, मैंने उसे बर्तन दे दिया, अब मैं उस बर्तन को उससे मांगती हूँ तो वह बर्तन देना नहीं चाहती है, उल्टा वो रोने और चिल्लाने लग जाती है। यहां बड़ी विचार करने की बात है मेरे सज्जनों, गौर से सुनिएगा। उस स्त्री ने क्या कहा अपने पति से, स्वामी मुझसे एक पड़ोसन बर्तन मांग करके ले गई थी, अब जब मैं उससे मांगती हूं तो वो रोती है, चिल्लाती है, वो बर्तन नहीं देना चाह रही है। उसका पति हंस गया, अरे बड़ी मूर्ख है, वह दूसरे की वस्तु को लौटाने में क्यों संकोच कर रही है, रोने की क्या बात है, अरे दूसरे की वस्तु है उससे तो हमें लौटाना ही पड़ेगा। पुरुष ने भोजन किया, भोजन करने के बाद वो तृप्त हुआ, हाथ धोए। स्त्री बोली, स्वामी आपको पता है हमारा जो पुत्र था, हमारा जो बेटा था, आपने उसे अपना मान लिया था, लेकिन वो हमें उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने दिया था, उसकी धरोहर थी, लेकिन प्रभु ने आज वो अपनी वस्तु हमसे वापस ले ली। प्रभु ने आज वो अपनी वस्तु वापस ले ली, अब अगर हम रोए और चिल्लाएं तो हम तुम भी तो मूर्ख ही माने जाएंगे। स्वामी आज अपने पति को समझाया और वो समझ गया, कहने लगा तुम ठीक कहती हो देवी। गंभीरता पूर्वक उसने विचार किया और सोचा और जवाब दिया, देवी तुम सही कहती हो, अरे ये शरीर हमारा नहीं है, ये मिला है, और जिसने दिया था आज उसी ने ले लिया, आपने आज मेरी आंखें खोल दी, रोने से कुछ होने वाला नहीं है, प्यारे हमारा कुछ भी नहीं है, सब उस परमात्मा का दिया हुआ है, उसी की कृपा से हमें मिला है, इसलिए वो प्रभु सारी दुनिया से ऊंचा है, उसकी सारे जगत से ऊंची शान है, वो बहुत महान है। आइए इस भजन के द्वारा गौर करते हैं कवि ने कितनी सुंदर बात लिखी है। हरि बोल, धन्य है रे प्रभु तेरी लीला, कितना महान है तू, सबसे ऊंची तेरी शान है। प्रभु सारी दुनिया से, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। हरीव ओ प्रभु सारी दुनिया से, प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना
कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। और क्या बताया है मेरे भगवत प्रेमियों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। और निकट से निकटी और दूर से भी दूर है, निकट से निकटी और दूर से भी दूर है। ओ निकट से भी निकट और दूर से भी दूर है, तुझ में समाया हुआ, तुझ में समाया हुआ सकल जहान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। कहाँ नहीं है तू प्रभु, हर जगह है, है? जल में थल में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हर जीव के अंदर है मेरा ईश्वर। हम देखते ही नहीं, दिखाई नहीं देता, लेकिन प्यारे वो है, वो निराकार भी है, वो साकार भी है। और क्या, तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। हाँ फूलों भरी क्यारियों का, तारों भरी रात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों भरी रात का। ओ फूलों भरी रात का और तारों भरी रात का, तेरी ही जमीन है ये, तेरी ही जमीन है ये, तेरा ही आकाश है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। कहाँ नहीं है तू, सबका माली है, हैं? फूलों भरी क्यारियों में, तारों भरी रातों में तू ही तो है प्रभु। और क्या बताया है लास्ट वन में, सुनिएगा। ओ सब ने जो रंग देके सभी तेरे रंग हैं, ओ सब ने जो रंग देके सभी तेरे रंग हैं। अनेक तेरे पालने के ढंग हैं, जग में अनेक तेरे पालने के ढंग हैं। ओ जग में अनेक तेरे पालने के ढंग हैं, तुझको तो छोटे बड़े हो, तुझको तो छोटे बड़े सबका ही ध्यान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से,
तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना